सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, ये वीडियो MS धोनी सर की ड्राइंग का पार्ट 3 है। एंड गाइज, इससे पहले हमने MS धोनी सर की ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट में स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन ड्रॉ किया था। एंड गाइज, सेकंड पार्ट में हमने कुछ इतना सा ड्रॉ किया था, जो कि बाकी बचे हुए पार्ट को इस वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलो गाइज, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले ईयर को ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल से लाइट एंड डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके सेटिंग कर लेना है। मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको सिंपली मेकअप ब्रश से हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। गाइस, ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली 4B पेंसिल से शेडिंग कर लेना है। इसके बाद इसे भी ब्लेंड कर लेना और नीडेड इरेजर से हाईलाइट कर देना है। तो गाइज, हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले कोई खराब पेन से हेयर के हाईलाइट के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा देना है। गाइज, इसके बाद अब आपको कैमेलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से या 10B पेंसिल से हेयर के डायरेक्शन में सेटिंग कर लेना है। गाइज, हेयर के डायरेक्शन में सेटिंग हो जाने के बाद अब आपको मेकअप ब्रश से हेयर के डायरेक्शन में हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद जहां पर एकदम से डार्क एरियाज हैं, वहां पर आपको दोबारा से प्रेशर देकर सेटिंग कर लेना है और इसे भी हल्के हाथों से ब्लेंड कर लेना है। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब आपको नीडेड इरेजर या टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर देना है।